नमस्कार, सिरासान में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं आफेर। अब अभी बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान छात्र संघ चुनाव 2022 की। राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से दी गई डेडलाइन में यूनिवर्सिटी कैंपस से तमाम पोस्टर और होर्डिंग्स को हटा दिया गया है। DSW सरीना कालिया के मौजूदगी में पोस्टर और होर्डिंग्स हटाए गए हैं। आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने आज सुबह 10 बजे तक का समय दिया था, लेकिन अधिकतर छात्रों ने अपने पोस्टर और होर्डिंग्स नहीं हटाए थे, जिसके बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से शाम 5 बजे तक का समय दिया गया था। अब प्रशासन की मौजूदगी में सभी पोस्टर और होर्डिंग्स हटा दिए गए हैं। ललित हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। ललित, छात्रों की तरफ से जो छात्र नेता है उन्हें कहा गया होर्डिंग्स नहीं हटाए गए, क्या पूरी तरह से जो है कह सकते हैं होर्डिंग्स और पोस्टर फ्री हो गया है पूरा कैंपस? जी बिल्कुल, आपको बताया भी ना हूँ कि DSW की मौजूदगी में राजस्थान विश्वविद्यालय से सारे होर्डिंग और जो पोस्टर हैं बैनर हैं उनको हटा दिया गया है। हालांकि अभी भी जो साइन बोर्ड्स हैं, यूनिवर्सिटी के साइन बोर्ड हैं, उनके ऊपर जो फोटो हैं वो चस्पा की गई हैं। उनके लिए भी यूनिवर्सिटी प्रशासन ने छात्र नेताओं को निर्देश दिए हैं कि इनको भी जल्द से जल्द हटाया जाए। जो यूनिवर्सिटी गेट पे आदमगढ़ के पोस्टर और बोर्ड होर्डिंग ये लगे हुए थे उनको हटा लिया गया है। सुबह 10 बजे तक की समय दिया गया था, लेकिन अधिकतर छात्रों द्वारा अपने बोर्डिंग जो होर्डिंग और बैनर है उनको नहीं हटाया गया था। स्कूल कार्यालय की ओर से शाम 5 बजे तक का समय दिया गया था, और उसके बाद DSW जो है राजस्थान यूनिवर्सिटी की सरीना कालिया उनकी मौजूदगी में सारे बैनर और पोस्टर को हटा दिया। ललित, अगर अभी भी कहीं पर ऐसे पोस्टर और होर्डिंग्स पाए जाते हैं अगर, तो क्या कुछ कार्रवाई के निर्देश हैं? जी बिल्कुल, अगर आप ऐसे पोस्टर और होर्डिंग, कल यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से ये आदेश जारी किया गया था कि किसी भी प्रकार से होर्डिंग और बैनर नहीं लगाए जाएंगे, जातीय आधार पर वोट नहीं मांगे जाएंगे। इसके साथ ही जो यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन है उसके तहत ही छात्र नेता चुनाव प्रचार कर सकेंगे। यदि इन नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में ऐसे छात्र नेताओं को नोटिस जारी किया जाएगा। एक बार उनको नोटिस जारी किया जाएगा तो दूसरी बार उनको व्यक्तिगत रूप से समझाइश की जाएगी, लेकिन यदि इसके बाद भी अगर छात्र नेता नहीं मानते हैं तो उनके खिलाफ FIR दर्ज करते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में भी यूनिवर्सिटी प्रशासन काफी सख्त होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 26 अगस्त को छात्र संघ चुनाव है और छात्र नेता इस समय पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं कि जो छात्र संगठन है उनको टिकट दें। ऐसे में अपनी दावेदारी पेश करने के लिए वे लगातार यूनिवर्सिटी को बदरंग करते जा रहे थे। हाँ। और इसी कड़ी में अब यूनिवर्सिटी शक्ति दिखाती नजर आ रही है। चलिए, शुक्रिया ललित तमाम जानकारी की।